नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। जैसे रिजल्ट आया, सब पूछने लगे कि राजीव नारायण शर्मा जी कहाँ हैं, कुछ सवाल करने उनसे। दो भविष्यवाणियां की उन्होंने, एक सही निकली, एक गलत निकली। गलत निकली कि उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, और सही निकली कि जब एग्जिट पोल कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 350 पार 400 पार, एनडीए सभी कह रहे थे, सारी गोदी मीडिया कह रही थी, बड़े बड़े टीवी चैनल कह रहे थे, तब अकेले राजीव नारायण शर्मा थे, वो कह रहे थे किसी भी कीमत पर किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, एक ऐसी लोकसभा मिलेगी जिसमें किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। मतलब सब लोग हवा में उड़ा रहे थे। तो दो भविष्यवाणियाँ थी, एक सही एक गलत। सब लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर एक भविष्यवाणी भी गलत कैसी हुई। राजीव जी का संडे का प्रोग्राम है, जाहिर है कि आपको बड़ा बेसब्री से इंतजार है, और मैं फिर जो हर बार कहता हूँ वो मैं फिर कहूँगा कि अगर आपको इस बात में ज्योतिष में रुचि हो तो ये प्रोग्राम देखिए, ज्योतिष में रुचि ना हो तो ये बिल्कुल मत देखिए। मेरी ज्योतिष में रुचि है तो ये मैं प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन मैं ये बात दावे के संग कह सकता हूँ कि शायद देश में इन चुनावों में इतनी याद किसी की नहीं आई होगी, इतनी ब्रांडिंग किसी की नहीं की हुई होगी जितनी राजीव नारायण शर्मा की। मैं दुखी हो गया हूँ, मेरा मेल बॉक्स भर गया है राजीव नारायण शर्मा जी के लोगों का नंबर मांग मांग के कि हमें राजीव जी का नंबर दे दीजिए, हमें राजीव जी का नंबर दे दीजिए। एक आध जने उन्होंने मुझसे सिफारिश कराई कि हमें राजीव जी से बात करनी है। उसमें नेता भी थे, उसमें अफसर भी थे, उसमें समाज सेवी भी लोग थे, मतलब सब लोग राजीव जी से बात करना चाहते थे, पूरी दुनिया से मैसेज आ रहे थे। तो मैं हंस रहा था, मैंने कहा देखो क्या ज्योतिष की भी क्या ब्रांडिंग है, कितना लोग जानना चाहते हैं, कितना लोग समझना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं। तो मैंने फिर कुछ लोगों को बताया कि राजीव जी किस समय मिल सकते हैं। राजीव जी से आज विस्तार में बात करिए, और पहले मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि 4PM को जितना प्यार मिल रहा है देश से, मैं कल्पना नहीं कर सकता था। इस चुनाव में देश में सबसे ज़्यादा कोई यूट्यूब चैनल देखा गया तो आंकड़े बता रहे हैं वो 4PM था। देश के बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पीछे रह गए, सबसे ज़्यादा देश में देखा गया तो 4PM देखा गया। यह आपका प्यार है, 48 घंटे 24 घंटे में 1,00,000 लोग 4PM से जुड़ रहे हैं। जादू सा हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, सच में मैं इसके लिए हृदय से आप सभी का आभारी हूं। मैं चलता हूं राजीव जी के पास, उससे पहले फिर रिक्वेस्ट आपसे कि यह आपका अपना चैनल है तो इतना अनुरोध मैं कर सकता हूं कि आज ही इस चैनल को, नीचे ज्वाइन बटन है, ज्वाइन करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं राजीव जी की बात सुनते हैं। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव जी आपका। पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी चुनाव नतीजों से पहले कि राजीव जी ने कहा था कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, और लेकिन राजीव जी ने यह भी कहा था कि पूर्ण बहुमत किसी का नहीं आएगा। और ये तब की बात है कि जब एग्जिट पोल जो आए थे वो सारे सारे 350 400 दिखा रहे थे, तो वही 50% में पास हुए आप, नंबर आपके 50% आए। आधी आप बात आपकी सच हो गई कि पार्लियामेंट में जो है किसी को बहुमत नहीं मिला, पूर्ण बहुमत किसी अकेली पार्टी को, और 50% खराब हो गई कि मोदी जी आ गए। तो मोदी जी क्या मतलब वाकई में उन्होंने कहा था कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, देवत्व के भाव से आए हैं, ये सही बात है क्या? मोदी जी को हिला पाना असंभव है? मोदी का कौन सा स्टार ऐसा है जो आपकी बात भी सब गलत हो गई? देखिए संजय जी, ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में दर्शकों को समझना चाहिए कि भविष्यवाणी का इन डेप्थ उसको एनालिसिस करने चाहिए कि इन डेप्थ क्या चीज़ थी, हम बात क्या कहना चाह रहे हैं। हमने भाजपा की कुंडली दिखाई है आपके दर्शकों को, ये हम कुंडली बराबर शेयर कर रहे हैं। तो भाजपा का नेता कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। तो भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो हमारी एनालिसिस में ये आया, क्योंकि एनडीए की तो मेरे पास कोई हॉरोस्कोप थी नहीं। अब एनडीए में मान लीजिए चंद्रबाबू नायडू के या नीतीश कुमार के 12 सीट आने के बाद भी राजयोग आ रहा है तो वो राजयोग तो पुश करेगा नरेंद्र मोदी को। अब चूंकि नरेंद्र मोदी की 240 सीटें हैं तो नेचुरली फिर जब मीटिंग होगी तो नरेंद्र मोदी को ही आगे किया जाएगा। तो इस विषय को दर्शक इस तरह से समझें, भाजपा के नेता का रूप में, भाजपा की कुंडली में पूर्ण बहुमत का योग नहीं था, जिसको कि मैंने निरंतर आपके प्रोग्राम में दिखाया था। ये भाजपा की वर्षफल की प्रेडिक्शन है, दर्शकों को दिखाइएगा, जिसमें साफ साफ नीचे की तरफ लिखा हुआ, मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि मुंतेश और वर्ष के स्वामी शनि छठवें भाव में हैं, जो इनके लिए भविष्य में कानूनी लिटिगेशन, इनके महत्वपूर्ण नेताओं के गंभीर बीमारियों और अन्य अशुभ समाचार का योग बना रहे हैं। इस वर्ष पार्टी के बिखरने और टूटने का, सहयोगियों के साथ झगड़े का भी योग है।
वर्षफल भाजपा के तीसरे बार पूर्ण सत्ता में आने के योग का संकेत नहीं दे रहा है। इनकी विदेशों में छवि और बिगड़ेगी, जनता का इनसे मोह भंग होगा। मोह भंग कितना हुआ उस सिलसिले पर आंकड़े भी अभी मैं दूं। मुझे यहां तक याद आ रहा है ये 5 अप्रैल के प्रोग्राम में कहा था आपने। 5 अप्रैल के, 5 अप्रैल के प्रोग्राम, और ये वर्षफल प्रोग्राम में आपने कहा था कि पूर्ण बहुमत में नहीं आने का योग है। हाँ, तो ये देखिए दर्शक देख रहे हैं, ये भाजपा की 6 अप्रैल 2024 की कुंडली है एनुअल हॉरोस्कोप। तो जब हमने एनुअल हॉरोस्कोप में बता ही दिया, और इससे ज्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन क्या होगी, आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दर्शकों के साथ शेयर करता हूँ। हम जब 2005 में मैंने आचार्य का कोर्स पूरा किया था, तो मेरे साथ क्लास में एक आईपीएस ऑफिसर पढ़ते थे, और वो आईपीएस ऑफिसर इतने वीवीआईपी बने, दर्शक आराम से नाम नहीं लूंगा मैं उनका, आपके जो संजय मिश्रा ईडी के डायरेक्टर थे, इस वाले ईडी डायरेक्टर से पहले संजय मिश्रा, उनसे पहले ईडी के डायरेक्टर वही थे 2019 तक। तो वो ईडी के डायरेक्टर जो थे उनका मेरे पास फोन आया, और वो इस समय मेरे साथ उन्होंने आचार्य का कोर्स किया था ज्योतिष का, और अभी वो भारतीय विद्या भवन में ज्योतिष पढ़ा भी रहे हैं। तो उन्होंने मुझे परसों दो तीन दिन पहले बधाई दी स्पेशली व्हाट्सएप पर कि राजीव यार आपने कमाल कर दिया यार, ये ऐसी भविष्यवाणी कैसे करी, पूरे इंस्टीट्यूट के टीचर की भविष्यवाणी गलत, हिंदुस्तान के सारे ज्योतिषियों की भविष्यवाणी गलत, सबके सब 300 पार और मोदी जी को 400 सीटें दिलवा रहे थे मैं मोदी जी की कुंडली में। वो कह रहे कि यार क्या एक्यूरेट प्रेडिक्शन है कि आपने कहा कोई हंग आएगी, तो ये हंग ही आई। तो अब इसलिए दर्शक ये माने कि हमारे जब ये जैसे एक परिवार में पिता माता और बच्चे हैं तो उसमें सबका भाग्य होता है। अगर परिवार का पूरे सारे ग्रहों सबके लोगों के ग्रह खराब हो जाएंगे तो परिवार डूबेगा। अगर किसी एक के भाई ग्रह अगर अच्छे चल रहे हैं तो परिवार बचा रहेगा, ऐसा ज्योतिष में कर्म सिद्धांत के आधार पर कहा जाता है। जो मैंने कर्म सिद्धांत की आपकी पुस्तक दिखाई थी ना आप लोगों को, ये कर्म सिद्धांत की पुस्तक ये बताती है हर व्यक्ति जो इस संसार में आया है अपना मुकद्दर अपनी भाग्य को लेकर गया है। तो इसमें ये संभावना, क्योंकि मेरे पास नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू की कुंडली नहीं है, न टीडीपी की है न जनता दल यू की है, तो ये संभव है कि उन दोनों के स्टार्स ऐसे पावरफुल हुए हैं कि जो नरेंद्र मोदी को पुश मिला, और नरेंद्र मोदी आप बीइंग ए लार्जेस्ट पार्टी का लीडर होने के नाते उनको क्या नाम है सरकार बनाने का निमंत्रण मिला है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ इसी प्रोग्राम में जाते जाते कि भाई दर्शक इस चीज को देखें कि नरेंद्र मोदी की सफलता किस तरह की है। जो मेरी भविष्यवाणी है उसको इस रूप में देखिए, नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कैरियर 2001 में शुरू होता है संजय जी, और उस समय से लेके उन्होंने जितने चुनाव लड़े हैं उनको कभी भी हंग रिजल्ट नहीं आया, उनको हमेशा मेजोरिटी मिली है। तो एक व्यक्ति जिसने वर्टिकल पूरा रॉकेट की तरह चढ़ता चला गया, पहली बार उसको ऐसा धक्का लगा कि आज वो और उनको गठबंधन की राजनीति का अनुभव बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी देखी नहीं भाई, उनको कभी आया ही नहीं, उनके पास कभी क्या ना इस तरह का मैंडेट मिला ही नहीं उनको। तो उनको ये आगे आने वाले टाइम में उनके व्यवहार के अनुसार बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। नरेंद्र मोदी की कुंडली तो मेरे पास है नहीं, और जो है 17 सितंबर 50 की वो उसको मैं हमेशा ही मैंने मना किया, ये बकवास है कुंडली, क्योंकि उस कुंडली में तो बहुत गंदे गंदे योग है। मैं गंदे गंदे योग में पब्लिक को बोल नहीं सकता हूँ कि ऐसा आदमी वुमनाइजर होना चाहिए, औरत स्त्रियों का भोग करने वाला होना चाहिए। तो ये अपील नहीं करती भाई, मैंने तो हर तरह से रिसर्च की है, तो वो मैं मोदी जी हमारे ऐसे दिखते भी नहीं है, तो हमें वो कुंडली चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी ने जो वर्टिकल राइज देखा 2001 से, पहली बार उनकी जिंदगी में आज 23 वर्ष के बाद ऐसा मौका आया कि जहां पर उनकी सरकार आज उनको कटोरा लेके खड़ा होना पड़ा। अब दर्शक आप जानते हैं रामायण का एक प्रसंग सुनाता हूं, जब भरत आए लौट के अपने ननिहाल से, और वो भैया को मनाने के लिए गए जंगल में कि भैया आ जाओ, भैया नहीं माने क्योंकि उनको अपने कर्तव्य का पालन करना था, और अपनी माता के जो उनके वो थे क्या नाम है आपके, उन्होंने जो वरदान अपने दशरथ से मांगे थे उसका पूरा भी करना था राम जी को। तो राम जी ने क्या दे दिया था, खड़ाऊं दे दी थी। आज की डेट में खड़ाऊं को आप क्या कहोगे, चप्पल कहोगे ना, आज की डेट में खड़ाऊं चप्पल कह जाएंगे। तो भरत ने पूरा शासन जो है 14 वर्ष तक खड़ाऊं अपने सिंहासन पर रखे चलाया। भरत तो बराबर वाली कुर्सी पर बैठते थे, सिंहासन जो था राजा का वो खड़ाऊं रखी थी। वही आज नरेंद्र मोदी जी का हो गया कि उनके दोनों तरफ नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री पद की तरफ एक चप्पल नीतीश कुमार की रखी होगी और एक चप्पल नायडू की रखी होगी, खड़ाऊ कहते हैं जिसको, चप्पल खड़ाऊ एक ही बात है।
तो नरेंद्र मोदी जी को जो अभी सत्ता मिली है वो दो, जब वो सुबह प्रधानमंत्री कार्यालय में आया करेंगे तो दोनों चप्पलों को उनको नमस्कार करना पड़ेगा, नायडू जी की चप्पल को और नीतीश कुमार की। तो ऐसा अपमान नरेंद्र मोदी जी ने आज तक अपने 23 साल के राजनीतिक करियर में, उनका उनका पॉलिटिकल केबल केवल 23 वर्ष का है, दर्शकों को जानना चाहिए। उससे पहले वो संघ में रहे हैं, भाजपा में रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स प्योर पॉलिटिक्स में इधर आए हैं। अब दर्शक सुन ले, एक और बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा देता हूं, ये 240 सीटों में से एक लगभग 125 सीट जो है जो भाजपा की आई है वो कांग्रेस बैकग्राउंड के लोग हैं, मतलब एक्स कांग्रेसी हैं। अगर हम 125 सीटों को कम कर दें तो भाजपा की अपनी सीट तो 115 ही रही। अगर नरेंद्र मोदी जी इतने महान हैं, भाजपा और संघ की विचारधारा को आगे ले जाने वाले हैं, तो भाजपा की तो इफेक्टिव सीटें तो 115 ही हैं, बाकी तो भगोड़े हैं उसके अंदर। उसके बाद 1996 के बाद, संजय जी आप रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ये सारी चीजें तैयार करके आया हूँ, 1996 में भाजपा की 162 या 161 सीटें थी, उस प्योर भाजपा की, मैं आज खालिस भाजपा की बात कर रहा हूँ। तो उस खालिस भाजपा का ये हाल हो गया नरेंद्र मोदी के 10 साल के बाद कि आज वो 115 सीटों पर सिमट गई है, 125 हटा दीजिए वो भगोड़े हैं। उसके बाद आपको बताऊं, इनके पिछली लोकसभा के 96 सांसद हार गए हैं इस समय, 96 एमपी हारे हैं इस चुनाव में, 20 मंत्री हार गए हैं। इनका वोट शेयर यूपी में 49.6% था, जो घटके 41.4 रह गया है। आपको इन राज्यों के नाम गिना रहा हूं मैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इनकी सारी सीटें दर्शक खुद अपने आप होमवर्क करें, जोड़ लें, 275 सीटें होती हैं 275। और जो परिणाम आए हैं 4 जून को, उसमें भाजपा को मात्र 80 सीटें मिली हैं। इतनी दुर्गति भाजपा की, 275 में से आपको 80 सीटें मिली हैं। ये इतना बड़ा भूभाग है, इतना बड़ा लैंड एरिया है भारत का, कि आप भाजपा यहां से समाप्त हो गई है। आप बंगाल में जो 18 से घट के नीचे 12 पर आए, शुभेंदु अधिकारी को जूते पड़ रहे हैं, वहां आपस में लड़ाई शुरू हो गई है। बिहार में सुशील मोदी के मरने के बाद आज इनके पास बड़ा नेता नहीं है, तो अगले साल दो साल में या एक साल के अंदर भाजपा वहां पे भी खत्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में मैंने वोट शेयर बताई दिया किस तेजी से गिरा है, और उत्तर प्रदेश में एक और खेला क्या किया, मायावती के 16 प्रत्याशियों के जो वोट टोटल वोट आए हैं वो भाजपा की विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा हैं। इसका अर्थ दर्शक ये समझ लें कि अगर मायावती ने इंडिया अलायंस का साथ दिया होता तो 16 सीटें इंडिया अलायंस की और बढ़ जाती और भाजपा सिमट करके 17 सीटों पर रह जाती उत्तर प्रदेश में, 80 में से 17, ओनली 17 सीटों पर। इसमें 2 सीटें आरएलडी को फायदा हो गया मायावती के कारण, और 14 सीटों का फायदा बीजेपी को हुआ है। इसके अलावा महाराष्ट्र में इनकी कैसी दुर्गति हुई है कि कैसे कैसे कांड करके इन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को उद्धव ठाकरे के गिराया था, फिर उसके बाद शिवसेना तोड़ दी, फिर एनसीपी तोड़ दी, और शासन 2 साल से धोखे का शासन कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र की जनता ने इतना इनको दंड दिया है, 9 सीटों पर सिमट गई है भाजपा, ओनली 9, 48 में से 9 यू, तो 9 सीटों पर ये तुमको दंड है। इसीलिए वो फडणवीस को इतना ह्यूमिलेशन लगा, वो इस्तीफा देने की बात करने लगा। अभी आज मैं फडणवीस की भी कुंडी डिस्कस करना चाहूंगा, दर्शकों को बताऊंगा कि इसके जीवन में दोबारा मुख्यमंत्री बनने का कोई योग ही नहीं है। ये सारे कपड़े उतार के पीपल पे 12 साल उल्टा लटक जाए तब भी ये जीवन में कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएगा। तो भाजपा का महाराष्ट्र में कोई नेता नहीं है। गडकरी की मैंने कुंडली आपको पहले ही बता दी थी कि गडकरी की कुंडली में राजयोग नहीं है, इसलिए गडकरी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था संजय जी। तो महाराष्ट्र में गडकरी के बाद एकमात्र नेता था कोई भाजपा का, तो फडणवीस था। फडणवीस के गृह योग और फडणवीस का लोकसभा में प्रदर्शन भाजपा का सत्यानाश करने जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर भी, और राजस्थान में भी किस तरह से तेजी से, देखो उनकी 25 में से उन्होंने 11 सीटें हारी हैं शायद, जहां तक मेरे अनुमान है। तमिलनाडु में इनको जो है भी आपको पता ही है। तो जब मैं ये देख रहा हूं कि इतना खराब परफॉर्मेंस 1996 के बाद प्योर भाजपा के 115 सांसद या 120 सांसद आए हैं, तो उसको भैया आप ये नहीं मानोगे कि नरेंद्र मोदी जी के लिए इससे बड़ा जीवन में अपमानजनक जो हार नहीं हो सकती है ये आपको? तो जब मुझे तो ये लग रहा था, मुझे तो ये लग रहा था कि मैं किसी ज्योतिषी से नहीं, किसी विपक्ष के नेता से बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी से इतने गुस्से में क्यों रहते हो आप?
नहीं, गुस्से में नहीं ले रहा हूं। देखिए ऐसा है कि दर्शकों को ये पता नहीं है, एस्ट्रोलॉजर के बारे में ये कहा गया है कि जिस ज्योतिषी के अंदर कुआ पो पटु नहीं है, अपनी बात को, अपनी भविष्यवाणी को इंटरप्रिटेट करने की लॉजिकली और रीजनिंग के साथ नहीं अगर वो बता सकता तो अच्छा ज्योतिषी नहीं हो सकता है। भगवान ने मेरे अंदर वो गुण दिया क्योंकि मेरी कुंडली में बहुत अच्छा योग है हनुमान जी की कृपा से। अच्छा मुझे बताइए, आपने कहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, पक्का नहीं बनेंगे, ये योग है। अब वो किसी के बड़े को योग से बन गए, वो चंद्रबाबू नायडू के बन गए, वो नीतीश के बन गए, लेकिन बन गए ना, तो इसका मतलब उनकी उनकी उनके जो स्टार्स हैं वो ये बता रहे हैं ना कि वो प्रधानमंत्री बने, तो अब तो वो बने रहेंगे 5 साल से, होने क्या समस्या है? बिल्कुल, मैं अभी अब वो भी आपके बात शेयर करने वाला हूँ, वो भी मैं दिखाने वाला हूँ कि पार्टी तोड़ेंगे नायडू की और नीतीश की। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। एक दर्शकों को इस बीच में छोटी सी प्रेडिक्शन और शेयर करता हूँ। इस समय भयंकर गर्मी पड़ रही है दर्शकों, और आप देख रहे हैं भयंकर, मतलब दिल्ली में 100-100 साल के रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं देश में। ये संवत्सर की कुंडली आपके 5 अप्रैल को ये भी शेयर की थी मैंने। इस संवत्सर की कुंडली में संजय जी, ये उसका प्रेडिक्शन पार्ट था जो मैंने आप लोगों को भेजा था, और आज भी दिखाइएगा दर्शकों को। इसमें मैंने लिखा है, जब मैंने आगजनी की घटनाएं बनी थी तो आपने उसको बताया भी था कि आगजनी की घटनाएं बढ़ेंगी, तो मैंने लिखा फाइटिंग अमंग्स द किंग्स, प्लेंटी ऑफ फायर्स इन द फॉरेस्ट एंड अदर प्लेसेस, रॉबरीज, मेजर एक्सीडेंट, अर्थक्वेक्स, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एसेस, बैड फॉर फार्मिंग, मतलब किसानी के लिए खराब होगा। होस्टाइल वेदर, होस्टाइल वेदर का मतलब क्या होता है कि मौसम का ऐसा जो बेकंट्रोल हो, जिसको मतलब असहनीय मौसम, और सेक्स स्कैंडल वगैरह, ये सब मैंने कही थी। तो इसी प्रेडिक्शन में लास्ट में एक लाइन और लिखी थी मैंने, वो मैं पढ़ के सुना दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डिस्कशन में। चुनाव आयोग की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, ये मैंने पिछली बार भी कहा था। तो आपको बता दूं कि जो परिणाम आए हैं, और जिस समय जब ये मंगल ने राशि बदली थी, उससे पहले मंगल मीन राशि में राहु के साथ था, जब आपके 2 या 3 चरण के चुनाव हुए हैं, 3 चरण के चुनाव तक, आने वाले टाइम में कुछ इलेक्शन के परिणामों को सुप्रीम कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन में जो है चैलेंज किया जाएगा। आज दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं कि जो सीटें भाजपा की आई हैं, इसमें कुछ सीटों के परिणाम जो है आने वाले समय में गृह योग के कारण लिटिगेशन में फंसेंगे। तो ये तो हो गया हमारे इस बात का। अब मैं आपके उस प्रश्न का जवाब देता हूं जो आपने कहा था। पहली बात मैं बता देता हूं कि जो ओथ वाली बात करी है, मैं बहुत अच्छी कुंडली लेकर के आया हूं आज, कि आज के दिन हमारा जब प्रोग्राम सुबह है, लेकिन हमारा शाम के टाइम में आज मोदी जी ओथ लेने जा रहे हैं, और वो ओथ का समय जो मीडिया में आया है वो 7:15 पर आया है शाम के, और उसका ये कुंडली है, ये आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी है, 7:15 पर दर्शक देख रहे हैं, और ये उसका नीचे का राइट अप है, आप दिखा दीजिएगा, जब पूरी कुंडली दिखाएंगे तो उसको दिखाइएगा। ये कुंडली 9 जून 2024 की संडे का दिन 7:15 पर मैंने उसका हेडिंग दिया है, मोदी 3-0 गवर्नमेंट। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी है, 5वें घर में राहु है, 6वें घर में मंगल है, बृहस्पति, शुक्र, बुध और सूर्य 7वें घर में, और 9वें घर में चंद्रमा है, और 11वें भाव में केतु है। तो इस कुंडली का सबसे बड़ी खराब बात क्या है, वैसे तो ज्योतिष के जो फंडामेंटल है उसको बताने से पहले मैं आज आपको एक किताब दिखाना चाह रहा हूं, दर्शक देख लें, ये मुहूर्त चिंतामणि है, मुहूर्त चिंतामणि, ये किताब वो किताब है जिसमें राजा के राज्याभिषेक के सिद्धांत दिए हुए हैं, प्रिंसिपल, क्या क्या नियम का पालन होना चाहिए जब राजा कहीं किसी भी देश में, आज की डेट में प्रधानमंत्री होता है, वो ओथ लेता है, तो उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल दिए हुए हैं। तो कल का प्रिंसिपल इस पुस्तक के अनुसार मोदी जी का जो कल का शपथ ग्रह है वो अशुभ काल में हो रहा है, अशुभ काल में हो रहा है, क्योंकि इसका ये मेरे सिद्धांत मैंने नोट किए हुए हैं इसी पुस्तक से। तो उसे ये सिद्धांत कहते हैं, सूर्यास्त के बाद राज्याभिषेक नहीं होना चाहिए, ओथ नहीं, राज्याभिषेक की अंग्रेजी है ओथ, सूर्यास्त के बाद राज्याभिषेक नहीं होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार राजा की तुलना सौर मंडल के राजा सूर्य से की जाती है, सूर्य उत्तरायण हो, गुरु शुक्र सूर्य लग्नेश मंगल चंद्र और वर्तमान दशा का स्वामी राशि का स्वामी बलवान होना चाहिए, सिद्धांत है।
तो इसमें इस जो कुंडली मैंने अभी दिखाई थी ओध की, इस कुंडली में लगन के ऊपर पहली बात आपको भी शायद थोड़ी सी जानकारी हो चुकी होगी, ज्योतिष में तीन घर जो है कष्ट के माने गए हैं, 6, 8, 12। ये अगर इनका कहीं भी प्रभाव हो जाए वह बैंड बजेगा उस फील्ड से संबंधित, उस हाउस से संबंधित। तो इस कुंडली में जो मोदी जी जिसमें शपथ लेने जा रहे हैं लगन पर 6th lord की मतलब 6th घर के स्वामी की, 8th घर के स्वामी की और 12th घर के स्वामी की दृष्टि है, प्लस 6th घर में मंगल जो शनि से तीसरी दृष्टि से पीड़ित हो रहा है उसकी दृष्टि चलेगी। 6th घर होता है झगड़े का, इसका अर्थ है कि जूतम पजार शुरू होगी सहयोगी दलों में और सरकार के ऊपर मंत्रिमंडल के गठन से लेकर के कई विषयों पर झगड़े होंगे, सरकार की पॉलिसी से संबंधित झगड़े होंगे और सरकार का एरोगेंस जो है वो आपके सहयोगी दलों को जो गठबंधन के साथी हैं उनको पसंद नहीं आएगा, जिसके कारण ये सत्ता ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। जो कि मैंने वर्षफल की कुंडली आपको दिखाई है जिसका का पीरियड 5 अप्रैल 2025 तक है, तो दर्शक मेरे बारे में ये जान सकते हैं कि ये खराब समय मैं कब तक देख रहा हूँ, ये खराब समय चलेगा 5 अप्रैल 2025 से आज से शुरू होकर के। तो इसमें और भी कहा गया है, सिद्धांत ये दिए गए हैं कि हमेशा लगन पीड़ित नहीं होना चाहिए, लेकिन इस कुंडली में लग्न और लग्नेश दोनों पीड़ित हैं, प्लस चंद्रमा भी भाग्येश है, भाग्य के स्थान में है लेकिन वो मंगल से पीड़ित हो रहा है। और इसमें क्या, इस कुंडली में क्या कमी है जो मैंने आपको दिखाई, 5वां घर होता बुद्धि का, मंत्रणा का, बुद्धि मंत्रणा और आपका सदाचार, आपकी प्योरिटी ऑफ इंटेलेक्ट, ये उसमें राहु का होने का अर्थ ये होता है संजय जी कि इस कुंडली के अनुसार जो है धोखेधड़ी के बाद और फोन टेपिंग की घटना के कारण भी जो है सहयोगी नाराज होंगे इस कुंडली में। मैं आपको बहुत एक अच्छी चीज बताता हूं, इसके अंदर एक भाजपा की कुंडली मैं पढ़ के सुनाता हूं, भाजपा की कुंडली उनका वर्षफल और मोदी 3-0 की कुंडली स्पष्ट संकेत देती है कि ये गठबंधन का धर्म नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि मोदी जी को आदत भी नहीं है गठबंधन की, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं ना, अपने सहयोगियों के साथ छल कपट के द्वारा उनके सांसदों को अपनी पार्टी में मिलाकर अपनी स्थिति मजबूत करने का अवश्य ये प्रयास करेंगे। तो ये मैं पॉलिटिकल बातें नहीं कर रहा हूँ जो सोशल मीडिया में चल रही है, मैं कुंडली को पढ़ के बता रहा हूँ कि योग है, क्योंकि बीजेपी की कुंडली जो मैंने दर्शकों आपको दिखाई है उसमें बुध पीड़ित है और ज्योतिष का सिद्धांत है बुध जो बुद्धि का कारक है, अगर वो राहु केतु जैसे ग्रहों से पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति के कुंडली में कपटी योग होता, कपट योग होता ना, कपट जो छल कपट करते पीठ में छुरा भोंकने वाले, तो बीजेपी की कुंडली अपने आप में ही छुरा भोंकने वाली है। इसीलिए देखिए उन्होंने अपना ही सहयोगी शिवसेना का क्या हाल कर दिया, और आज आप खुद देखिए कि आपकी अकाली दल की क्या स्थिति आप जानते ही हैं। प्लस तो मैं आगे पढ़ के सुनाता हूं, इनफैक्ट बीजेपी की कुंडली में बुध अत्यंत पाप ग्रहों से पीड़ित है, बुध इस कुंडली का लग्नेश है और इसी की वर्तमान में दशा चल रही है, ज्योतिष शास्त्र में इसे कपट योग से जाना जाता है। देशवासियों आपको एक मजेदार एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च की फाइंडिंग दे रहा हूं संजय जी, आपको आप 100 कुंडली ले आइए, 100 करोड़ लोगों की कुंडली, जिनके तलाक हो चुके हों, डिवोर्स हो चुके हों, या जिनके कोर्ट कचहरी में मैटर चल रहे हों, या जिनके किसी कारण उनका पति या पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो, उनकी कुंडली में एक योग होता है, 8वां घर मृत्यु का होता है और परमानेंट विच्छेद का होता है, मतलब परमानेंट लेवल पे कोई अगर रिलेशनशिप ब्रेक होगी तो 8th lord उससे संबंध बना लेगा। अगर वो 8वें घर का लॉर्ड 5वें घर में चला गया तो बच्चे से आपके संबंध खराब हो जाएंगे, अगर 8वें घर का लॉर्ड 11वें भाव में चला गया तो भाई से संबंध आपके खराब हो जाएंगे, 8वें घर का लॉर्ड अगर 9वें घर में चला गया तो पिता से संबंध खराब हो जाएंगे, 8वें घर का लॉर्ड अगर 4th घर से संबंध बना रहा है तो माता से आपके विवाद हो जाएगा, झगड़े हो जाएंगे। जो अभी कुंडली दर्शकों मैंने दिखाई है इसमें मोदी जी जिस लग्न में शपथ लेने जा रहे हैं उसमें अष्टमेश बुध 7वें घर में बैठा है और 7वां घर होता है कंप्रोमाइज का, गठबंधन का, शादी का। तो ये जो शादी हनीमून है नीतीश कुमार और नायडू के साथ, ये हनीमून चलेगा नहीं। इस कुंडली में एक विचित्र योग और है, हमने जब मैंने पहली रिसर्च की थी संजय जी, जब हम ज्योतिष में 2 साल का आचार का कोर्स करके आए, मजेदार किस्सा है दर्शक सुनेंगे, कि उस समय हमको टॉपिक मिला था लव मैरिज का, कि भाई किसी कुंडली में लव मैरिज कैसे देखेंगे। तो जब हमारे गुरुजी राव साहब आए थे पहला रिसर्च का क्लास वही लेते थे, तो सबसे पहले उन्होंने आकर के कहा कि भाई
आप लोगों में किस किस की लव मैरिज हुई है, हाथ खड़ा करो। तो मैंने भी हाथ खड़ा कर दिया, मेरी लव मैरिज हुई है। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी बीबी पंजाबी है दिल्ली की, तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया। तो राव साहब ने सबसे पहले मुझे बुलाया, आइए ब्लैक बोर्ड पे अपनी कुंडली लगाइए। तो मैंने अपनी कुंडली लगा करके बताया कि देखो, तो राव साहब ने कहा देखिए इनकी कुंडली में पांचवें घर का संबंध और सातवें घर का संबंध आ रहा है, इसीलिए इन्होंने प्रेम विवाह किया। तो दर्शकों मजेदार बात यह है कि जो नरेंद्र मोदी जिस कुंडली जिस योग में शपथ ले रहे हैं उसमें पांचवें घर का स्वामी बृहस्पति सातवें घर में बैठा है, तो ये लव मैरिज है। अब लव मैरिज किस लिए हुई है उसका एक लॉजिक और दे देता हूँ। आठ के बाद दूसरे भाव की राशि नौ नंबर बनती है धनु, धनु होती है धन, तो ये पैसे के कारण प्रेम हुआ है, प्रेम विवाह जो हो रहा है इसमें धन आया है, धन और कुछ मजे लेने की बातें आ रही हैं इस कुंडली में। एक और बात खराब है जो भारत की कुंडली को मैं बता देता हूँ, ये भारत की कुंडली है दर्शकों, ये देख लो भारत की कुंडली का वृषभ लगन है, इसका स्वामी शुक्र होता है और शुक्र इसमें वर्तमान में अस्त चल रहे हैं। मैंने अपने पर्सनल कुछ नजदीकी लोगों को बताया था कि जब मैं बता रहा था कि इंडिया एयरलाइंस की सरकार बन सकती है, तो मैंने एक बात दबी जबान से कही थी, अगर इंडिया एयरलाइंस की सरकार बनेगी तो ये सरकार चल नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि लग्नेश इस समय और बुध और सॉरी क्या नाम है बृहस्पति और शुक्र अस्त चल रहे हैं। जब परिणाम आया है ना आपका 4 जून को, उस समय बृहस्पति अस्त थे, 6 को उदय हुए हैं, लेकिन बच्चा तो पैदा हो गया ना भाई, 4 जून को बच्चा तो आ गया, बच्चा 2 दिन का हो गया जब बृहस्पति उदय हुए हैं, लेकिन बृहस्पति के कमजोर होने का प्रभाव उसके ऊपर आ चुका है। दूसरा शुक्र इसको, जिसको कि हमारे आम भाषा में पंडित लोग कहते हैं तारा डूबा हुआ है, तो शुक्र इस समय अस्त हैं जो 19 जुलाई को उदय होंगे। तो इसका अर्थ ये है भारत की कुंडली में जो सरकार में सरकार बनने जा रही है अस्त शुक्र के प्रभाव में बन रही है, इसका मतलब है कमजोर सरकार होगी जिसका कि भविष्य जिसकी की आयु कम होगी। ये मैंने एक सिद्धांत और आपको बता दिया। तो पहले तो मैंने बताया कि ये गठबंधन हुआ किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण, पैसे के कारण। अच्छा एक इस कुंडली में एक और बहुत विचित्र योग है, मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने कुंडली आपको दिखाई है कि इस कुंडली में सबसे बड़ा खतरनाक क्या चीज आ रही है भैया संजय जी, सुन लीजिए दर्शक लोग, दसवें घर का लॉर्ड सूर्य, सातवें घर का लॉर्ड और बारहवें घर के लॉर्ड शुक्र के साथ क्लोज डिग्री में है, प्लेनेटरी वॉर कहते हैं इसको, दे आर इन क्लोज डिग्री विद लग्ना। देश में विदेशी निवेशकों के द्वारा, ध्यान से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देश में विदेशी निवेशक, विदेशी भाव देखा जाता बारहवें घर से, तो बारहवें घर का स्वामी शुक्र हो गया और सेकंड लॉर्ड गुरु भी बैठा है वहां पे। पांचवें घर से मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में बताया शेयर मार्केट देखते हैं और आठवें घर से स्पेकुलेशन देखते हैं, तो पांचवें घर का स्वामी भी जो है इसमें बृहस्पति बैठा है और आठवें घर का स्वामी भी सातवें भाव में बैठा है बुध। तो मैं इसमें भविष्यवाणी कर रहा हूं आज देश में विदेशी निवेशकों के द्वारा बहुत बड़े शेयर मार्केट का पर्दाफाश, जिसमें गठबंधन के लोगों को भी भ्रष्टाचार के इस पैसे से खरीदने का संकेत आ रहा है, मतलब शेयर बाजार का बहुत बड़ा स्कैंडल इसमें एक्सपोज होगा, जो अभी 2-3 दिन पहले 1 हफ्ते पहले हुआ है, 30 लाख करोड़ का मतलब हेर फेर हो गया। ये केस जो है अल्टीमेटली संसद को चलने नहीं देगा और इसमें सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जाएगा, जो सरकार के लिए किसी तरह का लिटिगेशन का संकट दिखा रहा है। पहले मैंने कहा कि छठवें घर का लॉर्ड जो दर्शक देख लें, मंगल छठवें भाव से शनि से पीड़ित होकर के लगन को दृष्टि दे रहा है, इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार कानूनी पचड़ों में फंसने जा रही है। मतलब पैदा होने से पहले इस सरकार की विचित्रता यह है कि कहते हैं ना सिर मुड़ाते ओले पड़े, पहले ही शपथ लेने से पहले ही जो है आपके पास इतना बड़ा खुलासा हो गया, 30 लाख करोड़, मतलब विश्व इतिहास का सबसे बड़ा शेयर घोटाला होगा ये, वर्ल्ड का शेयर मार्केट का सबसे बड़ा स्कैंडल। फिर मैंने इसमें लिखा आठवें घर का लॉर्ड मरकरी सातवें भाव में है, संकेत दे रहा है गठबंधन टूटेगा, ये मैरिज नहीं चलेगी इनका, आपस में प्रेम में धोखा। एक पिक्चर आई थी लव में धोखा, लव में धोखा, तो वो बेसिकली लव में धोखा इनके साथ होने जा रहा है। और मैंने इसलिए भी कहा था कि जो मैंने हमने 3 साल संजय जी हमने 3 साल मैरिटल डिस्कॉर्ड पर रिसर्च किए, कैसे कुंडली में देखा जाए कि विवाह कब चलेगा, विवाह कब टूटेगा और क्या कारण से विवाह टूट जाते हैं, कोर्ट कचहरी में जाते हैं। और एक दर्शकों को जानकारी बता देता हूं, ऐसा हनुमान जी के आशीर्वाद से कह रहा हूं, मैं कोई घमंड से नहीं कह रहा हूं, विश्व में दुनिया में मेरे अलावा मेरे गुरुजी के अलावा कोई भी ज्योतिष में विवाह के लिए कुंडली इतनी अच्छी नहीं मिला सकता।
इतना मुझे आत्मविश्वास है क्योंकि उन्होंने झमके इसमें रिसर्च किए, सैकड़ों हजारों हॉरोस्कोप की है। मतलब या तो मेरे गुरुजी कर सकते हैं मैचिंग, जिसको मैच मेकिंग कहते हैं ना हॉरोस्कोप में कुंडली मिलान, कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस इतना, मैं मुझे मिनट में कुंडली देख के पता लग जाता है विवाह किस लिए किस कारण टूट रहा है। अच्छा बताइए मुझे बताइए, इनके शोध लेने के बाद सब बुरी बुरी चीजें हैं, कोई अच्छा भी है नहीं इनके? कोई ग्रह कोई ठीक एकाध ग्रह तो ठीक हो गए, सारे खराब है इनके? नहीं, अब बहुत अच्छी बात आपने कही। एक और जानकारी बता देता हूँ, दर्शकों को शेयर करता हूँ। 3-4 दिन पहले से मेरी बात, मैंने आपको पहले कहा था संघ के लोग, भाजपा के लोग मेरे संपर्क में हैं, वो चाहते थे कि संघ में जब आपने मुरली मनोहर जोशी का नाम दे दिया, मोदी जी उनके घर पहुंच गए। हाँ, वो तो आशीर्वाद लेना इसीलिए पहुंच गए डर के मारे कि जोशी जी नाराज ना हो जाए। जोशी जी किसी से डरते नहीं है। और सुनिए कि संघ में जबरदस्त घमासान हुआ है, ये मेरे पास पक्की रिपोर्ट है। और इसमें 3-4 लोगों ने, जो मोदी जी ने जिनको पैसे से खरीद रखा है, वो एक तो कोई दक्षिण भारत के हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी के, सो 2-3 लोगों ने इनके लिए बैटिंग की, इनकी कुर्सी ऑलमोस्ट चली गई थी। फिर बाद में इस बात पर रजामंदी हुई है कि इनको 1 साल मौका दिया जाए, 75 के हो जाएंगे तो उनको हम पिछवाड़े पे लात मार के भगा देंगे। तो ये तैयारी हुई है संघ में, इस बात की रजामंदी हुई है कि 1 साल बाद हम इनको थैंक यू वेरी मच टाटा कर देंगे। क्योंकि वो तीन लोग धन के कारण और किसी सुख के कारण, जैसे जेट पर सिक्योरिटी दे दो या और कोई घोड़ा गाड़ी बंगला दे दो, इसके कारण वो वेस्टेज इंटरेस्ट हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो देश में आज हुआ है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आरएसएस की भी है, क्योंकि आरएसएस ने अपने स्वदेशी जागरण मंच का अपना जो आइडियोलॉजी है उसको छोड़ा, मजदूर किसान संघ के कल्याण की, आदिवासियों की, महिलाओं के कल्याण की सारी स्कीमों को ताक पे रख दिया मोदी को अंधा फेवर करने के लिए। जिसका कारण ये जो जितने राज मैंने आपको बताए हैं संजय जी, आज आरएसएस के लिए प्रश्न चल गया, इनकी शाखाएं नहीं चल पाएंगी क्योंकि लोगों में इतना नाराजगी हो चुकी है। और मैंने आपको बताया एक और, टोटल जो वोट आया है 2004 जून को रिजल्ट में, भाजपा को ग्रामीण वोट जो है काफी मात्रा में गिर गया है, केवल अर्बन वोट 2019 से थोड़ा सा प्लस गया है। इसका मतलब है अर्बन लोग जो मिडिल क्लास होते हैं वो अभी भी अंधभक्ति में लगे पड़े हैं, अन्यथा भाजपा का गांव और गरीबों में मोह भंग हो चुका है। जो कि मैंने अपनी वर्षफल की कुंडली दिखाई थी, मैंने उसमें लास्ट में लाइन लिखी है, जनता का मोह भंग होगा, तो उनका मोह भंग हो चुका है। तो ये एक कुंडली और मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं दर्शकों, ये है भैया देवेंद्र फडणवीस की कुंडली, दर्शक देख ले देवेंद्र फडणवीस की ये कुंडली है। खाली खाली यहाँ पे वो लाइन खींची नहीं है आपने, एक लाइन खींची है? हाँ, तो वो दिखा दिया मैंने, वो लाइन खींचे, दशा इनकी ऐसी चली है। फडणवीस का जन्म 22 जुलाई 1970 को हुआ था, बुधवार का दिन था, 6:09 नागपुर का जन्म है। कर्क लग्न की कुंडली है, लग्न में सूर्य मंगल और बुध हैं, वाणी के घर में द्वितीय भाव में केतु और शुक्र हैं, और 8वें घर में चंद्रमा और राहु हैं, 4थे घर में बृहस्पति हैं और 10वें घर में नीच का शनि है। दुर्भाग्य यह है इस व्यक्ति की 8वें घर से संबंधित केतु की दशा चल रही है, केतु में चंद्र चल रहा है जो 8वें भाव से संबंध बना रहा है, इसीलिए इस व्यक्ति को इतना अपमान हुआ कि ये मात्र भाजपा का इसने पूरा सुपड़ा साफ करा दिया महाराष्ट्र के इस इलेक्शन में। और यह महाराष्ट्र का जो राज्य का चुनाव होगा इसमें लही सही लुटिया जो है महाराष्ट्र में ये डुबा देगा, क्योंकि इसके खुद के ग्रह बहुत अच्छे नहीं है। और केतु की दशा के बाद, इसके बाद मैं आपको बताऊं केतु की दशा इनकी देवेंद्र फडणवीस की 2029 तक चलेगी, तो 2029 तक देवेंद्र फडणवीस की कुंडली में, और आपको बताऊं केतु के बाद में इनकी केतु चंद्र के बाद केतु मंगल की दशा आएगी, जो षडाष्टक योग बना रहे हैं, 6-8 की एक्सेस है, सबसे खराब एक्सेस मानी जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक कैरियर का अंत होने जा रहा है। तो भाजपा के पास नितिन गडकरी के अलावा अब देवेंद्र फडणवीस ही एकमात्र ऐसे बड़े नेता थे महाराष्ट्र में जो इनके लिए अब फ्यूचर इनका बिल्कुल खतरे में है। मैं आपको बताता हूं कि देखिए दरअसल ये सब क्यों हुआ है, एक चीज हमें दर्शक, एक और बहुत चौंकाने वाली बात बताता हूं। गीता में भगवान ने पिछले प्रोग्राम में गीता का श्लोक मैंने बताया था कि भगवान कहते हैं काम क्रोध लोभ, हे अर्जुन ये मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं, ये नरक के द्वार हैं जो तुम्हारा पतन कराते हैं। आज 3-4 नाम मैं लेने जा रहा हूं कि उनका पतन कैसे हुआ, दर्शक इसको ध्यान से सुने। 2010 से जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने जितने अपराध किए
संसद नहीं चलने दी, चोर दरवाजे से ऑर्डिनेंस ला करके राज्यसभा से इधर उधर से मेजोरिटी मैनेज करके उन्होंने बिल पास कराए हैं। तो उनके उस कुकर्म में, उनके मोदी जी के उस कुकर्म में तीन चार लोगों ने हमेशा साथ दिया 10 साल से। वो एक थे पहले नवीन पटनायक बीजू जनता दल के, दूसरे थे जगन रेड्डी, मायावती ने भी दिया है कभी कभी, और आपके केसीआर। आप देखिए गीता में भगवान कहते हैं किस तरह मोदी के 10 साल के 10 सालों में देश की जनता के साथ अन्याय करने में, अनेक ऑर्डिनेंस लाने में, चोर दरवाजे जिन नेताओं ने साथ दिया, मायावती, नवीन पटनायक, जगन रेड्डी, केसीआर, आज काल ने उनको कैसा दंड दिया कि उनका राजनीतिक वजूद ही खत्म हो गया। मायावती की 0 सीटें, केसीआर की 0 सीटें, नवीन पटनायक के हाथ से उनकी 24 साल पुरानी सत्ता चली गई, और जगन रेड्डी भी सड़क पे आ गए, भिखारी बन गए। तो ये सब चीजें किस लिए हुए हैं? आज काल के द्वारा मैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को भी बता रहा हूं कि नीतीश कुमार जी, मेरा कोई बीजेपी से द्वेष नहीं है, मेरा मोदी जी से भी कोई द्वेष नहीं है, अमित शाह से भी कोई द्वेष नहीं है। मैं तो बार बार बता रहा हूं कि उनके अंदर के राक्षस, जो बीजेपी के अंदर का भी राक्षस है, उसका बयान कर रहा हूं कि ये किसी के सगे नहीं है। ऐसा कोई पार्टी नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं, ऐसा वो ठगू के लड्डू वाला कुछ है ना कानपुर में, कोई ठगू है वो क्या, कुछ है, कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, जिसको हमने ठगा नहीं। तो ये नरेंद्र मोदी जी भी यही कहेंगे, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। मोदी जी ने सबको ठगा है, अमित शाह ने सबको ठगा है। तो नायडू जी, आप और नीतीश कुमार ध्यान रखें, शिंदे, एकनाथ शिंदे, तुम भी ध्यान रखो, तुम्हारे 6 आदमी भी कभी तुम्हारी रस्सी खोल के ले जाएंगे। मोदी जी पहले कह चुके भैंस खोल के ले जाएंगे, तो तुम्हारी सबकी भैंसें चोरी हो जाएंगी, तुम्हारे सबके मंगलसूत्र चोरी हो जाएंगे। वो कांग्रेस का, इंडिया अलायंस का तो नहीं कर पाए, वो गरीबों का मंगलसूत्र और भैंस तो नहीं चुरा पाए, लेकिन सहयोगी गठबंधन की पार्टियों के मंगलसूत्र और इनके भैंसें जरूर खोली जाएंगी। तो लिहाजा मेरा नटसेल में बता रहा हूं कि ये भाजपा की सत्ता जो जारी है, ये बहुत कमजोर सत्ता बनेगी। जो अच्छे ग्रह की बात की, इसमें एक ही चीज आती है, बृहस्पति की लगन पे दृष्टि है। तो इतना जरूर है कि क्रूरता इनके अंदर होगी, थोड़ा छद्म जो है रोल तो अदा करेंगे कि थोड़ा सा सॉफ्ट होने की आपकी वो दिखाएंगे, आपकी इमेज बनाएंगे गुड़ी गुड़ी, जैसे उन्होंने अपना भाषण दिया था ना जब वो पार्लियामेंट्री उसमें हॉल में, कि भाई सर्वपंथ संभाव वाली बात करी है कि हमारे लिए सारे धर्म बराबर हैं। आज उनकी मुंह से ये निकल रहा है, जबकि उन्होंने पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान पर लड़ा था। तो खैर, मैं चलते चलते आपको बता रहा हूँ कि मोदी जी की जो हार का कारण है, देखिए हार इसलिए है, आप ये मत मानिए वो प्रधानमंत्री पद उनको मिला है, लेकिन किस कंडीशन में प्रधानमंत्री पद मिला है कि जिस व्यक्ति ने 2001 से कभी गठबंधन किया ना हो, आज उसको दो साथियों को साथ ऐसे ले, और देख भी रहे हैं मंच पे, आप देखे थे उन्हें राजनाथ और अमित शाह को एक तरफ बैठा रखा था, गडकरी बाद में जमाइयां ले रहे थे सामने, और उनके सगे कौन बने हुए थे, गलवैया किसके साथ डाल रहे थे, नीतीश के साथ, मुंह फाड़ फाड़ के हंस रहे थे मोदी जी और चंद्रबाबू नायडू के साथ, क्योंकि उनको पता कि इनकी वजह से तो उनकी ऑक्सीजन आई है, ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर हैं इनके, ये जो है मोदी जी के, नायडू और नीतीश कुमार। तो मोदी जी के हार का कारण यह है। दर्शकों, मैंने आपको रामायण का एक प्रसंग सुनाया था, विभीषण गीता का, कि जब राम जी ने से विभीषण ने कहा कि प्रभु आप तो नहीं जीत पाओगे, क्योंकि रावण के पास तो सारे तरह से सर्व साधन से सुसज्जित जो है, मतलब पूरी तरह से क्या नाम है, ऑल टाइप्स ऑफ मेटलिस्टिक चीजों से वो रथ है, उसके बाद जीत कैसे पाओगे। तो भगवान का जवाब था कि मेरे पास धर्म का रथ है। तो आपको मैं बताऊं, किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं जीती है इस चुनाव में, इस पार्टी इस चुनाव में जनता जीती है, और जनता ने अपना मतादेश इतना बढ़िया दिया है कि बार बार मैं जनता को प्रणाम करता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, इस देश में लोकतंत्र के अंदर हमारी विश्वास को बढ़ा दिया। हालांकि इसमें चुनाव आयोग अभी भी दोषी है, जो उसको भगवान दंड देगा। तो वो रथ बता देता हूँ, क्योंकि मोदी जी के पास वो रथ नहीं था, इसलिए मोदी जी का इतनी बुरी इसमें हार हुई है कि मोदी जी खुद जो है अपनी सीट को, मैंने क्या कहा था आपको याद होगा, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि मोदी जी को चुनाव में परेशानी आने वाली है। मोदी जी 3 राउंड तक जो है, मैंने आपके प्रोग्राम में ये बात कही थी, तो अब आपने कहा था यार मोदी जी तो जीत के जाना चाहिए, संसद में बोलना चाहिए, आप मोदी जी से इतना नाराज क्यों रहते हो। आप सोचिए, मोदी जी जैसा व्यक्ति जो हजारों करोड़ रुपए 10-15 बरस से खर्च कर रहा है ब्रांडिंग के लिए, पूरे संसार में इतना महंगा कैंपेन कोई नहीं चलाता अपने व्यक्ति को महिमा मंडन के लिए जितना मोदी चलाते हैं, आज वो मोदी जी चुनाव के राउंड में 3 राउंड में पीछे चल रहे थे,
और उसके बाद एक एवरेज बिलो एवरेज मार्जिन से जीते हैं। प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति अगर वो आपको 1,52,000 से जीते तो ये उसके लिए शर्मनाक है, क्योंकि इनसे ज्यादा अच्छे तो शिवराज सिंह चौहान जो 8,00,000 से ऊपर जीते हैं। तो आप और ये राहुल गांधी के लिए मजाक उड़ा रहे थे कि राहुल की आयु से कम सीटें आएंगी कांग्रेस की, देखिए भाजपा नीचे गिरी है उसमें भी राहुल, कम से कम राहुल इतना ओरेटरी पावर उसकी अच्छी नहीं है। मैं अगर राहुल की जगह होता मैंने कहा मोदी क्या बात करता है तू, 125 आदमी तो हमारे लिए बैठा है, तू अपना है क्या, तेरी औकात क्या है, मैं बोल सकता था, मैं सदन में खड़ा होकर बोलता, इसी रफ अंदाज में बोलता, मैं कभी किसी से डरने वाला नहीं, सत को कहना आना चाहिए, राहुल के अंदर वो अभी वो पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सच को बोलिए, क्योंकि वो आपका मजाक उड़ा रहा था, वो ये कह रहा था 240। अरे भाई ये देखो कि तुम जो है 303 से नीचे गिरे, तुम तो शुरुआत से 400 पार का नारा लगा रहे थे, तुम तो कह रहे थे मोदी की गारंटी, कहां गई मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी नाली में फेंक दी जनता ने उठा करके, मोदी के गारंटी के पर्चे उठाकर लोगों ने टॉयलेट में डाल दिए हैं, टॉयलेट पेपर की तरह यूज किए गए हैं, और मोदी के 400 पार का नारे की हवा निकाल दी कि मोदी आज जो है 240 पे आ गए, और मोदी की ऐसी हवा निकाली और कांग्रेस का मजाक उड़ा रहे थे। कांग्रेस का बताना सक्सेस रेट क्या है, 52 से कहां पहुंचे, 100 क्रॉस कर गए हैं वो, पप्पू यादव ने ज्वाइन कर लिया ना सर, तो उनकी 100 हो गई। तो अगर 52 सीटों से अगर 100 को मोर देन 80% सक्सेस है कांग्रेस की, तो इस पूरे चुनाव में अगर सबसे बड़ी सक्सेस मिली है किसी को, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, महाअघाड़ी गठबंधन और कांग्रेस को मिली है। भाजपा तो नीचे गई है बाबूजी, वो इसलिए गई है कि मोदी के पास अधर्म का रत्था, झूठ, फरेब, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, इनके इन चोरों का आप साथ लेकर के, और उगोदी मीडिया, इनका साथ लेकर के आपने जो है सरकार अपनी चलाई है। आज इतना खराब लग रहा था, योगेंद्र यादव का एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो ये कह रहा था काश गोदी मीडिया ने अगर ईमानदारी से देश का साथ दिया होता तो मोदी की सीट 180 से ज्यादा नहीं आ सकती थी, ये योगेंद्र यादव का आंकलन था। तो मैं इसीलिए बताता हूँ कि विभीषण भगवान ने कहा था कि जो धर्म का रथ होता है शौर और धैर्य, इसके दो चक्र होते हैं, चक्र मतलब पहिए, शौर कहते हैं बाहरी शक्तियों की चुनौती का सामना करने की शक्ति, और धैर्य कहते हैं जो आंतरिक बल और आंतरिक शक्ति होते हैं उसको धैर्य कहते हैं। सत्य और शील इस रथ की ध्वजा और पताका है, बल, विवेक, संयम और परोपकार इसके अश्व हैं, घोड़े हैं, कृपा, क्षमा और समता इस रथ की लगाम है। इनमें से एक भी चीज नरेंद्र मोदी के रथ में नहीं थी, इसीलिए नरेंद्र मोदी इस युद्ध को, 2024 के चुनाव रूपी युद्ध को बुरी तरह से हारे हैं। अपमानित होकर के बैठ जाइए, कलयुग है, कलयुग में तो वो कहते हैं भैया कि मुंह पर तू थूक भी दे तो भी मैं तेरे को तेरे पैर छू लूंगा। तो मोदी जी की हाथ हालत ऐसी हो गई है कि कैसे वो जो है उसको जगन रेड्डी का, जो जयंत चौधरी का हाथ पकड़ के खींच रहे हैं, एक एक पार्टी के आदमी के सामने हाथ जोड़ के मोदी जी की, मोदी जी की काल ने ऐसी दुर्गति कर दी है कि एक एक एमपी मांझी जैसे और कौन कौन से लोग हैं उनके सामने उनको मंच पर बैठा करके मोदी जी को नमस्कार प्रणाम करना पड़ रहा है। जो मोदी कभी देश के भाजपा के नेताओं से हाथ नहीं मिलाते थे, कभी गले नहीं लगाते थे, आज एक एक एमपी के लोगों को गले लगाना पड़ रहा है। तो मैं आज अपना प्रोग्राम का समापन करता हूं। दर्शकों, इससे आप देख लीजिए जो मैंने आपको बार बार कहा था कि जो काल जो है वो अपना काम करता है, और जो मैंने पद्म पुराण का कोट पढ़ के सुनाया था उसको खत्म करके मैं प्रोग्राम खत्म हुआ। अकॉर्डिंग टू पद्म पुराण एवरी ह्यूमन लाइफ इज द स्टोरी ऑफ द कर्मास ऑफ द पास्ट लाइफ, नो वन कैन एस्केप इट बिकॉज लाइफ इज ए मिक्सचर ऑफ सिंस एंड होली डीड्स, इन बर्थ आफ्टर बर्थ दे गिव देयर रिजल्ट्स। According to Mahabharat, in every birth of his karmas, a person chases him, or karmas of a person, karmas chases him, and he has to enjoy or suffer according to the karmas he has done in his past life. The grahas and nakshatra alone do not produce good or bad results. All that they are the results of the karmas done by oneself. They only indicate when is the time for some good results or bad ones to happen. फ्रक्टिफिकेशन मतलब उसका फलादेश कब होगा उन कर्मों का, कर्मों के बुरे फल का, फ्रक्टिफिकेशन ऑफ दिस डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द दशा एंड द ट्रांजिट। तो दर्शकों, मैंने आज बताया कि बीजेपी और ऑर्डर ऑफ दशा एंड मतलब वो काल कब आएगा, तो मैंने आज बता दिया काल ऑलरेडी आ चुका है, जो 6 अप्रैल 2024 से जो काल शुरू हुआ था जिसको वर्ष फल कहते हैं वो, प्लस नरेंद्र मोदी जी की ओथ की जो कुंडली है, ये दोनों चीजें बता रही हैं जो मैंने पद्म पुराण का कोट पढ़ा था कि आपके अपने बुरे फलों का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। 2001 से उन्होंने जो सफलता हासिल की
और किस किस धोखे किस किस के साथ धोखा करके की, वो आज सब उनके सामने आएगी। कैसे हिरण पांडा का मर्डर हुआ, कैसे गोधरा कांड हुआ, कैसे आपका पुलवामा हुआ, ये सारे विषय काल ने काल की मेमोरी में है, तो वो आपके सामने जरूर आएंगे। क्योंकि आपकी जो जीत है वो जीत अपने आप में नहीं है, ये दरअसल पूरा 2024 का चुनाव, मैं वंस अगेन कहूंगा, केवल और केवल हमारे गरीब दलित आदिवासी ग्रामीण भाई और भाई बहनों की जीत है, किसानों की जीत है। मैं उनको पुनः प्रणाम करता हूँ और राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख ले तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना, तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वे सब जग जाना, अस सिद्ध नौ निधि के दाता अस्वर दीन जान की माता, साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे, जय श्री राम कृपा करहु गुरुदेव की नाय, जय हनुमान। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने समय दिया, धन्यवाद, आभार। तो ये थे राजीव नारायण शर्मा जी और हम इन सुन रहे थे कि क्या कह रहे हैं ये अपनी भविष्यवाणियों के बारे में। मुझको यकीन है ये चर्चा पसंद आई होगी, अपनी राय से अवगत कराइएगा। फिर याद दिला दूं, चैनल को ज्वाइन ना किया तो ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।